हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अमीना नीटिंग। आ देखिए, आज हम ये फ्रिल वाला बॉर्डर बनाना सीखेंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा और सुंदर सा बॉर्डर है और बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ये देखिए बॉर्डर का डिज़ाइन है। देखिए, ऐसे फ्रिल की तरह लगता है ये। तो चलिए, आज इसको बनाना सीखते हैं। सब्सक्राइब करें अमीना नीटिंग को, और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 8 के मल्टीपल में हमें फंदे डालने होते हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए रखे हैं 8 के मल्टीपल में फंदे रखे हैं। आप भी किसी भी प्रोजेक्ट में सप्लाई करें तो 8 के मल्टीपल में फंदे डालें और 3 फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका पैटर्न फिट आएगा। तो चलिए, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी पहली सिलाई है, राइट साइड है। राइट साइड से हमारा ये बॉर्डर शुरू होगा। तो यहाँ पर देखिए, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए, 3 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। अब 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। देखिए, 5 फंदे हमने सीधे बुने, फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तीन फंदे फिर से देखिए हम उल्टे बुनेंगे। पांच फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए, लास्ट के 3 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, ये सिलाई हमारी यहाँ पर पहली कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में देखिए, जैसे फंदे हमें नज़र आएंगे, हमें उसी तरीके से बुनने हैं। ये 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं यहाँ पर, और 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। देखिए, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 5 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे लास्ट के बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। ये सिलाई हो गई हमारी कंप्लीट। आ जाते हैं सीधी सिलाई में। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने यहाँ ये 2 सिलाई बुनी है सीधी उल्टी, इसी तरह से हम 6 सिलाइयाँ और बुन लेते हैं। उसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे अपना। पहले हम 6 सिलाइयाँ और इसी तरीक़े से बुनेंगे, जैसे हमने ये 2 बुनी है, इसी तरीक़े से बुन के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, हमने ये 6 सिलाइयाँ और बुनी है, यानी कि टोटल हमारी ये 8 सिलाई हो गई हैं। और अब देखिए हमें क्या करना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हमें क्या करना है। तो देखिए, 3 फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। धागा पीछे करेंगे। अब हमें इन्हें 5 फंदों को एक करना है। तो कैसे करेंगे, 5 फंदों को जब हम एक साथ घटाते हैं तो मुश्किल होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। पहले हम 5 फंदों को इधर नीडल पर उतार लेंगे। देखिए, ये 5 फंदे हमने नीडल पर उतार लिए। धागा ऐसे लाएंगे नीडल पर, और अब देखिए इस धागे पे से हम फंदों को उतारना शुरू करेंगे। तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखिए, 5 का एक हो गया है। अब फिर से हम धागा आगे करके ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 5 फंदे इधर नीडल पर उतार लेंगे। देखिए, धागे को ऐसे लाएंगे और इस पर से हम 5 फंदे ये उतार देंगे। देखिए, इस तरह बहुत आसानी से ये 5 का एक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए,
अब फिर से हम तीन फंदे बुनेंगे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, पांच फंदों को इधर नीडल पर उतार लेंगे। देखिए अब इसके बाद धागा फिर से ऐसे फंदों को हम उतार लेंगे पांच को, देखिए पांचों फंदे हम इस धागे पर से उतार देंगे। देखिए सॉरी, पांच फंदे हमने इस पर से उतार दिए धागे पे से। अब इस फंदे को इसे ही रहने देंगे और यहाँ पर ये तीन फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। देखिए ये देखिए, अब इसके बाद बैक साइड में जाएंगे उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई हमारी पूरी सीधी बुनी जाएगी, उल्टी साइड है लेकिन सीधी बुनेंगे हम इस सिलाई को। देखिए सिलाई हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई। देखिए इसके बाद देखिए हमारा अप्रैल वाला बॉर्डर बन गया है। देखिए कितना प्यारा सुंदर सा आया है ये। तो यहाँ पर देखिए हमने आठ के मल्टीपल में लिए थे 8, 16, 24 और 3 एक्स्ट्रा, तो 27 फंदे थे टोटल हमारे ये। और अब हमारे यहाँ पर देखिए 15 फंदे बचे हैं, यानी कि हमारे 12 फंदे यहाँ पर ऑफ हो गए हैं। तो अब जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करें तो इसमें फंदों का हिसाब बहुत ध्यान से रखना है आपको। तीन फंदे तो हमारे जो कि तू एक्स्ट्रा रहेंगे, जो बाकी बचे फंदे हमारे देखिए 3, 3, 6, 3, 3, 12 फंदे हैं, इन पे हमें हिसाब रखना है। अगर हमें किसी पैटर्न में 12 फंदे रखने हैं तो यहाँ पर देखिए 8, 16, 24 यानी कि इसके दुगने फंदे रखे हैं हमने, तो ये 12 बचे हैं, यानी कि हमने 24 लिए थे यहाँ, तो यहाँ 12 बचे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको यहाँ पर देखिए कितने फंदे रखने हैं, मान लो आपको रखने हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया आपको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें जितने भी आपको फंदे रखने हैं उसके दुगने फंदे आप रखेंगे, तब घटने के बाद यहाँ आपके जो आपको फंदे चाहिए वो वापस आ जाएंगे। इन तीन फंदों को नहीं गिनिएगा, तीन एक्स्ट्रा ही रहेंगे, जैसे यहाँ पर रहेंगे यहाँ भी रहेंगे। इसके अलावा जो फंदे हैं हमें उसके डबल करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पाँच का एक कर देते हैं तो एक फंदा रह जाता है, तीन ये होते हैं तो टोटल चार फंदे होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे ये चार फंदे आ जाते हैं। देखिए आठ फंदों से चार फंदे बन जाते हैं, इसलिए हमें डबल रखने होते हैं। यानी कि आपको अगर यहाँ पर 32 फंदे चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3, 3, 6, 3 मुझे 12 फंदे रखने थे यहाँ पर, अगर आपको 16 फंदे रखने हैं तो आपको यहाँ पर ये बॉक्सेस 8 के मल्टीपल में 32 फंदे रखने होंगे और 3 एक्स्ट्रा रखने होंगे। इसी तरह से आप, बहुत आसान तरीका है इसका कि आपको जितने भी फंदे रखने हैं उसके आपको दुगने फंदे रखने हैं, जो घटने के बाद आपके जो भी फंदे चाहिए वो वापस से आ जाएंगे और तीन फंदे हमारे एक्स्ट्रा चलते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा बॉर्डर डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊँगी फिर से एक नया पैटर्न लेकर आपकी खिदमत में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।